लगता है आप जिसका इंतजार कर रही थी वो अब तक आया नहीं है। और मुझे पता है क्या लगता है कि तुम्हारी ये पिकअप लाइन ना आज नहीं चलेगी। यार एक्चुअली क्या है ना, मेरा एक दोस्त है तो उसने मुझे बोला था कि अगर मैं एक क्लब में जाकर एक खूबसूरत सी लड़की पर लाइन इस्तेमाल करूंगा तो मुझे कॉम्प्लीमेंट कर देगी। बट ऑल इन वेन। अब तो लगता है कि घर भी अकेले जाना पड़ेगा। वैसे इतने बुरे तो नहीं लग रहे तुम। एंड आज शायद तुम अपने घर जाओगे ही ना। Wanna have a smoke? I don't smoke. It kills, you know. You kill too. तो दोबारा मिलने का कोई प्लान है? दोबारा क्या हो गया? इतनी पसंद आ गई क्या? मैं पसंद की बात नहीं है, कैजुअल रखते हैं। अच्छा कैजुअल, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड टाइप। और अगर ज्यादा अच्छी दोस्ती हो गई तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। और तुझे मुझसे प्यार हो गया तो? दैट्स इम्पॉसिबल। बिकॉज मुझे कभी अपनी जिंदगी में खुद से प्यार नहीं हुआ। तुझसे या किसी और से तो क्या ही होगा। Well, that was a good pitch. So, I think it's a deal. तो अब हम दोनों के बीच ना चीजें बहुत कंफ्यूजिंग हो गई है। तो तू उससे मिलना छोड़ देगी? यार We decided to keep it casual, right? लेकिन ये प्यार या फीलिंग्स ना चीजों को काफी कॉम्प्लिकेट कर देता है। अबे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा यार, तू बिंदास बोल देना। यार मैंने ना पहले दिन बड़ी चौड़ में जाके उसको बोला कभी प्यार नहीं होगा। अब अगर मैं उसको जाके बोलूंगा कि प्यार सच में हो गया ना तो कभी बात नहीं करेगी। अबे जो तेरी पिकअप लाइन है वो बाकी लड़कियों पे मारना, क्या पता इससे बढ़िया कुछ मिल जाए। नहीं चाहिए इससे बढ़िया। और तेरी ये घटिया एडवाइसेस तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि तेरी ये लव एडवाइसेस ना वो किसी घटिया रोमकॉम मूवी से भी बुरी है। टोटल वेस्ट। तो हम दोनों की सिचुएशन को प्लीज किसी रोमकॉम मूवी के साथ कंपेयर मत कर, ओके? आई लाइक हिम बट यू नो विदी, आफ्टर हुकअप्स रिलेशनशिप्स दे डोंट एंड वेल। तो शायद हम दोनों दोस्ती ठीक है। क्या इंटरेस्टिंग हो रही है यार, मतलब पहले हुकअप फिर दोस्ती फिर प्यार। फ्रेंड जोन करण जोहर ना इस पर कुछ कुछ होता है का सीक्वल बना डालता। तेरे को सिर्फ करण जौहर ही मिलता है क्या ये सारे एग्जांपल्स देने के लिए? कुछ नई टेक्निक ढूंढ ले। अबे एक तो तेरा हौसला बढ़ा रहा हूं मैं, हैं? वैसे जब ये घिसी पिटी सड़ी सी लाइनें मारता है तब तेरे को कुछ नहीं होता, अब फीलिंग बतानी पड़ रही है तो भाई साहब की फट रही है, कमाल है भाई। अब में और तब में फर्क, तब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी,
मेरे से नहीं होगा। वेट करना ठीक है। तेरे को ना अच्छे से जानता हूँ मैं, ये ना तेरे को रिग्रेट होगा भाई, मैं बता रहा हूँ तेरे को। तू साले अभी डाल दे, जो तेरी रिग्रेट की लिस्ट है ना लंबी सी, उसमें दिव्या का नाम तू अभी डाल दे, तू देख लियो। वेट कर रहा है क्या? दिव्या का मैसेज क्या है? मिलने बुला रही है यार। वरुण का रिप्लाई आ गया, मिलने के लिए रेडी है वो। देख क्लियर कर जो भी बात है बोल दे। लेकिन उसे बुरा लग गया तो? इससे पहले गुस्से से कोई बात निकले उसी बात को प्यार से बोल दे। समझ? बहुत जल्दी आ गया नहीं तू? अरे वो तो चले। कहाँ चल रहे? वही अपने अड्डे पे चलते। अड्डे? हाँ। आ गया? क्या? थोड़ा ओवर लग रहा था, अब ठीक लग रहा है। हाँ। चलिए चुपचाप से। चलो चले। गेट रेडी। व्हाट? गेट रेडी। नमस्ते दीदी, ये लीजिए चाय। आज तो इसमें मसाला भी मिला है। क्या बात है, आज तो तुझे बोलना भी नहीं पड़ा मुझे। हाँ आजकल कुछ बातें बिना बताए ही समझ में आ जाती है। चाय अच्छी है? नहीं हमेशा की तरह है। तुझे पता है तूने जब आज मेरे को टेक्स्ट किया था ना यहाँ आके मिलने के लिए, तो मैं समर्थ के साथ था और हम दोनों ऐसे ही कुछ स्मॉल टॉक्स कर रहे थे, और तेरा एकदम से ये टेक्स्ट आ गया तो मेरे को लगा भाई इतनी अर्जेंसी क्या है कि तेरे को इतना अर्जेंटली मिलना है मेरे से। मैं तो घबरा गया था। क्या स्मॉल टॉक्स हुई समर्थ के साथ? कुछ नहीं, वो समर्थ मेरे को समझा रहा था कि वो सब छोड़ ना, तू तेरे को कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। बोल सकते? सुन रहा हूँ। हाँ वो I wanted to tell you कि मैं हिमाचल जा रही हूँ अपने घर। Nice. कितने दिन के लिए जा रही है तू? मतलब कब जा रही है? कल सुबह की ट्रेन है, टिकट्स बुक हो गई हैं, बस ढेर सारी पैकिंग करनी है, इसीलिए तो तुझे इतने जल्दी मिलने बुलाया मैंने। दिव्या, तू बोलती है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तुम्हें कैसा दोस्त हूँ? अच्छा दोस्त हूँ या एवी वाला दोस्त हूँ, कैसा दोस्त हूँ कुछ बता मेरे को। क्या बात कर रहा है वरुण, तू यू नो यू आर माय बेस्ट फ्रेंड राइट? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, बट मैंने सुना था कि बेस्ट फ्रेंड्स के साथ चीज़ें शेयर की जाती हैं, बट तू तो मुझे आज बता रही है कि तू कल हिमाचल जा रही है, इस टाइम बता रही है। यू डिडंट इवन केयर। आई डिडंट केयर। या यू डिडंट। आर यू किडिंग मी? वरुण तुझे क्या लगता है
तुझे मैंने मिलने के लिए क्यों बुलाया? ये बताने के लिए कि मैं हिमाचल जा रही हूँ? Come on वरुण, वरुण अच्छा एक बात बता, कब तक छुपाएगा? Divya, I told you that I like you. I confessed it. लेकिन अगर तू चाहती है कि हम सिर्फ दोस्त रहें तो it's completely okay. मतलब मेरे कहने का मतलब इतना था कि अगर हम relationship में आ भी जाए ना तो हमारी life में कोई ज़्यादा problems आएंगी नहीं. Problems आ चुकी है वरुण. This is a problem. तू मुझे explain कर रहा है, मैं तुझे explain कर रही हूँ, right? देख, हम दोनों के बीच में जो भी हो रहा है ना, उससे हम दोनों की bond को ना बहुत effect पड़ेगा. कुछ effect नहीं पड़ेगा. And you know, we're such a good team. साथ मिलकर संभाल लेंगे सब कुछ. सच बताऊँ तो जो तेरा और मेरा बॉन्ड है ना, वैसा बॉन्ड मेरा आज तक किसी के साथ नहीं बना. एंड दिस कंफर्ट लेवल विद यू, इट्स वेरी स्पेशल टू मी. पर अब तो इस बॉन्ड को तोड़ देना चाहती है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बॉन्ड तोड़ देते हैं, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों में जो भी है वो एक अच्छे नोट पे खत्म हो जाए, इससे पहले की चीजें बिगड़ने लग जाए. Come on, Divya, no. No way. नहीं होता है यार ऐसे. और तू मुझे एक बात बता, तेरे पास कोई बहुत बड़ी सुपर पावर है क्या कि दुनिया में कुछ भी होता है तुझे पहले पता चल जाता है? Divya, trust me on this. तुझे ट्रस्ट करूं मैं? तू ही था ना जो कॉन्फिडेंटली बोल रहा था कि देख दिव्या, तुझसे तो मुझे कभी प्यार नहीं हो सकता, राइट? तो ये क्या है वरुण? दिव्या, मैंने तो ये भी बोला था ना कि मुझे अपनी जिंदगी से भी कभी प्यार नहीं होगा, लेकिन हो गया ना जिंदगी से भी. और देख वरुण, मुझे ना इस लूप में बार बार नहीं फंसना, और तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं. मेरे साथ क्यों नहीं? कितना स्टूपिड है तू. हाँ, क्योंकि तेरे साथ जो मेमोरीज है ना, दे आर स्पेशल टू मी. ओके, एंड आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट. ओके, और अभी ये सब क्या हो रहा है? स्पॉइल नहीं हो रहा है तो ये सब क्या हो रहा है दित्या? लिसन, मुझे ना तुझसे और बहस नहीं करनी है. चाय खत्म कर, घर चलता है. ये रख अपनी चाय. और जो हम दोनों का बॉन्ड है ना, मुझे नहीं लगा था कि इतने घटिया नोट पे खत्म होगा. ठीक है, बट एंड होना क्यों है दिव्या? ऑटो, दिव्या लिसन, चलिए. दिव्या, देखो कहाँ गए, देखो कहाँ गए हम.
पूछो ना गम, पूछो ना हालत मेरी, आँखें क्यों है नम, पूछो ना मैं क्या से क्या हो गई, मुझको अब तू और सताना नहीं, अब के जाओ तो फिर आना नहीं। पता है मुझे लगता है कि जिसका इंतजार तुम कर रहे हो ना वो शायद आज नहीं आएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये जो घिसी पिटी लाइन है ना ये मुझ पे काम नहीं करने वाली। शिट यार, मेरी की बहुत क्लोज फ्रेंड ने मुझे कहा था कि ऐसे पब में मैं रेडी होके आऊँ और किसी हैंडसम लड़के के ऊपर ये लाइन मारूँ तो एक कॉम्प्लीमेंट तो मिल जाएगा, लेकिन लगता है आज घर अकेले ही जाना पड़ेगा। भैया वन शॉट्स ऐसे क्या बोल रहा है, सिर्फ मिलने आई हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि तेरे बिना मेरी लाइफ रुक गई थी या फिर मेरा काम वाम नहीं चल रहा था, सब सही था। पूछा मैंने और मेरी लाइफ में भी सब बढ़िया ही चल रहा है, देख ऐश कर रहा हूँ। अच्छा वैसे क्या कर रहा है यहाँ पे तू अकेले, सच में किसी का वेट कर रहा है क्या? अपनी तनाही का, लेकिन उसके आने से पहले तू ही टपक गई। वैसे अब तो मैं आ गई हूँ तो अब तुझे किसी का भी वेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं देख वरुण, आई एम रियली सॉरी, उस दिन मैं तुझे ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। और ये जो हम दोनों के बीच में था ना, आई मीन जो है, दिस इज परफेक्ट। एंड जस्ट बिकॉज दो तीन चूतियों के साथ मेरा कुछ हुआ नहीं उसका मतलब ये नहीं है कि दिस कांट हैपन। ओके तो उस दिन वाला तेरा जो प्रपोजल था ना, यू रिमेम्बर, यू एंड मी, वेट अ मिनट, तबीयत ठीक है तेरी? मतलब तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि तू बैकी बैकी बातें कर रही है? इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गया ये सब? Are you sure about it? Yes. और अब की बार कोई गड़बड़ हुई तो किसी महान पुरुष ने कहा था कि वी मेक अ गुड टीम, तो मिलके संभाल लेंगे नहीं? शॉट्स पटाकास। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो गो हिट द लाइक बटन राइट नाउ और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप फ्यूचर में कैसा कंटेंट देखना चाहते हो। और अगर आपको किसी भी जगह इस तरह का इंसिडेंट हुआ तो प्लीज कमेंट में हमें बताएं और अगली वीडियो हमें किस पे बनानी चाहिए प्लीज वो भी मेंशन।